नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य भारती वर्मा आज आपसे अपनी एक केस स्टडी साझा करूंगी। किस तरीके से एक थोड़े से फेरबदल से, थोड़े से चीज़ों को इधर उधर करने से गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई एक फैक्ट्री को चलाने के लिए। हुआ यूँ कि कुछ समय पहले मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया जिनका हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, और उन्होंने बताया काम करते हुए कि अब बाकी चीज़ें तो सारी ठीक चल रही हैं, लेकिन फैक्ट्री को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट की परमिशन आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। तो सारा कुछ बनने के बाद भी यदि मुझे परमिशन नहीं मिली तो मैं फैक्ट्री नहीं चला पाऊँगा। उनका अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, फैक्ट्री कंप्लीट नहीं हुई थी और काम शुरू होना था। कंस्ट्रक्शन का काम जब चलता है तो थोड़ी ये लापरवाही हो जाती है कि हम जो रॉ मटेरियल होता है वो जहाँ सुविधा होती है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर रख देते हैं। पर यहाँ पर ये रॉ मटेरियल को जिस जगह पे रखा गया वहाँ से इन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेने में दिक्कत आई। ग्रेडेड मैप हमारे पास ऑलरेडी था क्योंकि काम चल रहा था, डिज़ाइनिंग पूरा फैक्ट्री का हुआ ही था। स्पेसिफिकली इसको देखने के लिए कि गवर्नमेंट का फेवर क्यों नहीं मिल रहा है, जब वापस से उसे देखा नक्शे पर भी और जूम पर फैक्ट्री को विजिट किया तो पता चला कि सारा रॉ मटेरियल, स्पेशली ग्रीट कपची जो हैवी मटीरियल रहता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो सारा का सारा ईस्ट में रखा हुआ है। ऑलमोस्ट ईस्ट सारा ही उसी सामान से भर गया था। और ऐसे ही जो थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल निकलता है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा वेस्ट मटेरियल नॉर्थ वेस्ट में आ गया था। अब ये दो जोन्स हैं जो हमें गवर्नमेंट से रिलेट करती हैं, गवर्नमेंट से फेवर्स दिलाती हैं, गवर्नमेंट से सहयोग दिलाती हैं। और यही जोन्स दोनों ही ईस्ट में अर्थ एलिमेंट यानी कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आ गया और नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा गार्बेज इकट्ठा हो गया। उन्हें हमने सिंपली ये कहा कि आप ये जो मटेरियल है थोड़ा ईस्ट से हटा दें और नॉर्थ वेस्ट को जो भी ये क्लटर इकट्ठा हो गया है वेस्टेज मटेरियल का उसे हटा दें। उन्होंने उसे हटवा दिया और साथ साथ में हमने उन्हें ये भी कहा कि इन दोनों जगहों पर आप हमारा जो गवर्नमेंट का एम्ब्लेम है अशोका पिलर उसे वहाँ पर प्लेस कर दें। और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अशोका पिलर को प्लेस कर दिया और अपने पेपर्स भी वहीं पर रख दिए। और कुछ ही दिनों बाद उनका खिलखिलाते हुए फ़ोन आया, दीदी बहुत जल्दी ही फैक्ट्री शुरू हो जाएगी क्योंकि हमें गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई है। तो ये है छोटे छोटे से उपाय, जो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेरबदल करना पड़ता है, बस सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस से और थोड़ी सी कॉन्शियसनेस से वो चेंज लाने पड़ते हैं और वो चेंज लाते ही हमें अपने मनचाहे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ऐसे ही आप अपनी किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो आप भी mahavastu.com पर जाकर योगदान फिल करके योगदान भी ले सकते हैं, क्योंकि महावास्तु के सभी इंट्यूटिव आचार्य कटिबद्ध हैं योगदान देने के लिए। ये योगदान सर्वथा निशुल्क है, कोई भी इसे अपनी समस्या का निदान पाने के लिए ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप mahavastu.com पर लॉगिन कर सकते हैं और यदि मन कर आया हो कि मैं भी इसे सीख लूं तो सीखना भी बहुत आसान है। सीखने की कोर्सेज की जानकारी के लिए भी आप mahavastu.com की साइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।